आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड रोल। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम यहाँ कृषक मेले में सात्विक फूड एंड फार्म के ओनर शांतनु जी से मिलेंगे और समझेंगे कि उन्होंने अपने फार्म पे क्या क्या उगाया है और क्या क्या वो पैक करके जो है लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजन फार्मिंग लीडर में। आज आप यहाँ जो है कृषि मेले में आए अपना स्टॉल लेके, और आपने लोगों को अवगत कराया कि आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। तो ये तो दो लोग देख रहे हैं लाइव, लेकिन जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन्हें बताइए कि आपने ये सब कैसे शुरू किया और आप आज किस लेवल पे हैं। शुरुआत हम लोगों ने पहले स्टीविया एक ही प्रोडक्ट से शुरू करी थी पहले जी, और होते होते जैसे जैसे मार्केट में हमारी पहचान बनती गई और प्रोडक्ट जैसे जैसे मार्केट करने शुरू करे, बायर से थोड़ी पहचान होने लगी, कुछ कंपनियों से जो बायबैक करने लगी, उसी के बाद दो प्रोडक्ट और ऐड करे, फिर एक और करा, ऐसे करते करते आज लगभग 13 प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुके हैं जी। तो जैसे कि 13 प्रोडक्ट आपके यहाँ मार्केट में उतर चुके हैं, तो जैसे कि जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उनसे आप और क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप जो है किस तरीके से और किसान ये पैटर्न यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं उसी बात को पहले भी एक बार हमारे इस बारे में बात हुई थी, मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए, शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, है ना जी। तो हार्ड है, स्टार्टिंग थोड़ी टफ रहेगी एस्टैब्लिश होने में। देखिए, हर काम को टाइम लगता है, मैं यही नहीं कह रहा, आप नौकरी भी तो पहले दिन आपकी 1,00,000 रुपए तनख्वाह नहीं हो जाती ना, बिल्कुल 10,000। हाँ, जब आदमी फ्रेशर होता है तो उसकी सैलरी भी कमी होती है, तो उसी वही चीज़ मानने है। देखिए, वही चीज़ इस पे भी लागू है, जब आप शुरुआत करोगे, आप छोटे से शुरुआत करो, होते होते देखिए जब आप ठीक नीयत से और आपको पता है आपके पास विजन है और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप देखिए भेड़ चाल वाला काम करेंगे, आप सोचेंगे ये कर रहा है कि मैं भी वो करने लगूं, बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, पर लेकिन आपको अगर कुछ आपके पास फुल प्रूफ एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है कि आप एग्जीक्यूट कर पाओगे उसे, तो उसी हिसाब से आपको देर सवेर मिले पर सफलता मिलेगी जरूर। अब जैसे मेले में लोग आ रहे हैं, तो वो जो लोग हैं क्या मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, काफ़ी लोग लेके भी जा रहे हैं और जिन लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, और काफ़ी लोग जैसे आपने देखा किसानों का मेला है तो अधिकतर यहाँ पे किसान आ रहे हैं। हाँ, तो उनके यही सवाल है कि सीख भी ले रहे हैं, कैसे शुरुआत करी आपने, क्या करा, तो यही है कि भाई मेरे से अगर कोई कुछ सीख सकता है तो मेरे तो उसमें मैं अगर किसी के लिए मदद कर पाऊँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को जैसे कुछ लोगों की प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी की बीज की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को कोशिश कर रहे हैं फुलफिल करके, वो भी अपना काम शुरू करना चाहे तो बिल्कुल। हाँ, और कोई किसान अगर माल्या आपसे और जुड़ना चाहें और आपसे कुछ सलाह लेना चाहें, या वो अपना कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो सेल कराना चाहें, तो उसके लिए देखिए अभी भी देखिए मेरा पहले से आपके चैनल के माध्यम से मेरी वीडियोज डली हैं, तो काफी लोग ऑलरेडी संपर्क करते हैं और अभी भी हमारे साथ काफी लोग हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, और लगभग पूरे पैन इंडिया में हर स्टेट में कहीं ना कोई किसान हमसे जरूर जुड़ा हुआ है। तो अब आप जरा अपने जो है प्रोडक्ट बारे में बताइए कि ये प्रोडक्ट ये है और वो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये मोरिंगा लीव्स पाउडर है जिसको हम सहजन कहते हैं, ये भी ऑलरेडी देखिए ये मेरे फार्म का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक किसान से मेरे पास सोर्स होता है, राजस्थान से मेरे पास आता है इसका जी, ये पत्तियां मेरे पास डिस्पैच करते हैं, उसी को मैं प्रोसेस करके इसका पाउडर बना के पैकेजिंग करते हैं, फिर ये शहद हमारा अपना है। अच्छा, अपने बॉक्सेस का है, ये लीची का शहद है और रामनगर और इसके बॉक्सेस देहरादून में रखे जाते हैं, वहाँ से तैयार होता है, और बॉटलिंग और सब कुछ हमारी अपनी है, खुद पैकेजिंग करते हैं और खुद ही मार्केट भी करते हैं जी। इसके अलावा फिर शतावरी पाउडर हमारा अपने खेत का है, अपनी शतावरी उगाते हैं, उसी को प्रोसेस करके और सुखा के और सब कुछ बनाते हैं, और शतावरी के अलावा फिर आप देखो कि इधर ये त्रिफला है, इसमें भी आंवला हमारे पास एक किसान से आता है, हरेर और बहरा भी कुछ किसान हैं जो मध्य प्रदेश और गुजरात के खेती करते हैं, वो उनके पास से आता है। तो ये जितने प्रोडक्ट हैं किसानों की कंपनी और किसानों के द्वारा ही चल रही है ना, तो जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे लोग, जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है सोर्स कर लेते हैं जी, और इस किसानों को भी ठीक रेट मिल पाता है। उसके अलावा कुछ हमारे अपने प्रोडक्ट हैं जैसे अश्वगंधा, ये भी देखिए ये मेरे अपने हमारा अपना प्रोडक्शन है इसका भी, इसकी खेती खुद करते हैं हम लोग। इसके अलावा फिर गुड़ और शक्कर आपने सामने रखी हुई है, ओमेगा 3 जैगरी की हमने अपने हमारी एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, वो ओमेगा 3 जैगरी की, इसमें सारे सीड्स हम लोगों ने मिक्स करे हुए हैं, ये इसके कंटेंट वैल्यू है, इसका आप देख सकते हो, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इनसे बनाई हुई है। तो शांतनु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से एक मॉडल तैयार किया कि अगर कोई किसान
कुछ करना, कुछ आगे बढ़ना चाहे तो वो इस तरीके को अपने यूज करके आगे बढ़ सकता है। देखिए कोई भी कंपनी है वो इसी तरीके से काम कर रही है, हो सकता है उनका माल क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट इतनी हाई रहती है तो किसानों से डायरेक्ट ना सोर्स कर पाते हैं, जैसे आरडी और बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो उनसे ट्रेड करते हैं। हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है अभी, तो हम लोग तो ज़्यादा मटेरियल जो भी सोर्सिंग है हमारी सीधे फार्मर से है और यहीं से फार्मर से लेते हैं माल को और कुछ अपना तैयार कर रहे हैं और कुछ जो है फार्मर से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हमारी मार्केट स्टैब्लिश होती जा रही है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट भी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा भी है, कुछ प्रोडक्ट मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल दूँ, जैसे मोरिंगा का हमारा कभी प्लान ही नहीं था पैकेजिंग करने का, ये किसान ने हमें बताया कि उसके पास लीव्स हैं और उसको बायर नहीं मिल रहा और वो बेच नहीं पा रहा, तो उसके बाद हमने उसकी लीव सोर्स करी और उसी को फिर हमने इसका पाउडर करवा के बॉटलिंग करके, उस भाई को भी फायदा हो गया और बिल्कुल उसे बायर नहीं मिल रहा था और हमारे पास हमें पता ही नहीं था, हम सही मायने में बताएं तो हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट देखते हुए जब लोगों ने हमसे डिमांड करी तो उसके बाद ही हमने उससे लीव्स ली और उसको हमने मार्केट करना शुरू कर दिया। वैसे एक चीज जो है बहुत बढ़िया मुझे लगी शांतनु जी आपकी, कि आप ये नहीं कह रहे, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनियां हैं करें कि हम सभी उगा रहे हैं, जाके देखा तो वहां कुछ है ही नहीं, जीरो है। देखिए मैं, अगर आपने किसी किसान से कोई चीज ली है तो आप खुल के कह रहे हैं कि भाई ये लीव्स मैं किसी और से लिए और मैं इसे तैयार करके आगे जो है सप्लाई कर रहा हूं। सर देखो, तो ये आपकी खासियत जो है बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं देखिए वही बोल रहा हूं, देखिए होता क्या है, सिर्फ लोकल की बात नहीं कर रहा मैं जी, जब लोग वीडियो देखते हैं तो काफी लोग फार्म विजिट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे पास लगभग 10-12 लोग हर दूसरे तीसरे दिन बहुत बहुत दूर से आते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब कोई आदमी आएगा तो मैं इस वीडियो पे तो झूठ बोल दूंगा, पर जब वो मेरे सामने पड़ेगा तो मैं उसे क्या दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही जरूरी है भाई, देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ उसमें फिर मजे वाली बात नहीं है। तो शांतनु जी आप जो है किसानों के लिए एक आइडियल, एक जो है आधार बन के उभरे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ये सब जो है किसानों को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। साथियों आपने ये वीडियो देखी, अगर शांतनु जी की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।